हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है बहुत फन होने वाला है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जस्ट अभी निकल रही हूँ घर से, सोचा जल्दी से इंट्रो कर लेती हूँ। मतलब ये जो वीडियो है ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये जो व्लॉग है उसी का BTS होने वाला है। एंड मैं जा रही हूँ मिलने के लिए बहुत दिन बाद। एंड लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था MNV की पोस्ट पे कि मेरे साथ वीडियो देखनी है, और मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि वो टाइम पे मेरी बहुत सारी वीडियोस बैक टू बैक मिलियंस में जा रही थी, वायरल जा रही थी, तो शायद इसीलिए। और मुझे खुद नहीं पता, मेरी बहन मुझे वीडियो भेज रही है तेरे को इतना टैग करा हुआ मेरे फ्रेंड्स ने, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं शूटिंग के लिए। एंड यस गाइज, ऑफ कोर्स ये वीडियो मानव के साथ है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आप मेरी एक्साइटमेंट वहाँ भी देखना, यहाँ भी देखो, रास्ते में भी देखना। लेट्स गो। सो गाइज, अगर आपको दिल्ली में ट्रैवल करना है तो मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और बाहर निकलते ही देखा तो बहुत ज़्यादा शोर था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी और बैकग्राउंड में वाइट, तो एकदम ही कैमरा थोड़ा गुचमुच, पता नहीं किसकी गलती थी। तो मैं घर से कुछ खा के भी नहीं आई थी, मैंने सोचा कि पहले जाती हूँ कैफ़े, कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद मैं उनके पास जाऊँगी क्योंकि उनका ऑलरेडी एक शूट चल रहा था। मेट्रो का टाइम है अच्छे से यूज़ करा है स्क्रिप्ट लिख के, और बहुत ही वियर्ड है। मतलब मैंने सोचा कि मैं अपनी हरियाणवी एक्सेंट यूज़ करूँगी और वो कुछ, बाकी हम उनसे मिल के डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फाइनल हमारा क्या होता है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छी भूख लग रही थी और उनका भी शूट चल रहा है, तो इसलिए तो मैंने सोचा रुक के कॉफ़ी पी लेते हैं ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। इसलिए मैं जल्दी निकली थी घर से, और जल्दी निकली और जल्दी पहुँच गई, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर टाइम यूज़ कर। गाइज, शूट ख़त्म हो गया है उनका और अभी मुझे मैसेज आ गया कि मैं जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ ऑटो। यार एक तो ऑटो वाले यहाँ का लूट रहे हैं मेरे को, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ से ऑटो मिलेगी। मतलब यहाँ यार इतना ऊंचा है कैसे चढ़ूंगी मैं। तो सबसे पहले हमें ढूंढनी है ऑटो। वैसे धूप इतनी अच्छी निकली है बट मुझे लगता है वीडियो शूट करते करते हमें लेट हो जाएगा, और ये जो इतनी अच्छी धूप है ना, ये धूप नहीं बचेगी। अंकल मुझे रोड क्रॉस करने में डर लगता है, इसलिए आपकी रिक्शा ले रही हूँ, नहीं तो पैदल चले जाते। नहीं सो क्या, छोड़ ही दो। तो मैं पहुंच गई हूँ होटल, और मेरा सबसे बड़ा डर है किसी भी होटल में और कहीं भी अगर लिफ्ट मिले और वहाँ पर स्टेयर्स का ऑप्शन ना हो, क्योंकि मुझे अकेले लिफ्ट यूज़ करने में बहुत डर लगता है। मुझे शुक्र है ये जो अंकल जी है ये साथ में थे, इसीलिए मैं अकेली जा रही हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती अकेले। अगर लिफ्ट के अंदर कोई नहीं होता फिर तो मैं उन्हीं को नीचे बुलाने वाली थी कि भाई मुझे लगता है डर, जल्दी से नीचे आके ले जाओ मुझे। हेलो हेलो, कम कम कम, इतने फोन। हाय उन्नति, आई एम गुड। क्या व्यू है, वो सीख रही हूँ आप सबको देख के। व्लॉगिंग चैनल है ये, थोड़ा थोड़ा। वो आपका फैन है मेरा? हाँ अच्छा। आज उसका कॉलेज का काम था वो इसलिए नहीं आ पाया, नहीं तो वही आने वाला था साथ में। क्या नाम है उसका? अंकित। हेलो अंकित, ये तो देखोगे बट नेक्स्ट टाइम पक्का वी मेक श्योर कि आपसे भी मुलाकात हो। वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, वो बहुत अच्छी वीडियोस, मतलब वो वैसे है नहीं बट थोड़ा सा, मतलब कैसे बताऊं, एस्थेटिक ऐसी वीडियोस बहुत बनाते हैं वो, ऐसा ही है। और वो संकेत का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, संकु भी है। वैसे वो पूरे डैम फैम का फैन है, ज्यादा जो इनकी बातें करते हैं ना वो ज्यादा वो ऐसी बातें करते हैं। तो गाइस मैं गलत फहमी का शिकार हो गई। मैं घर से रेडी होके नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि मेरा मेकअप होने वाला है। नहीं, मेरा मेकअप होने वाला है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी बिकॉज़ मेरे को, मैंने बोला था कि मनीषा मेरा मेकअप करेगी बिकॉज़ मनीषा इतना अच्छा मेकअप कर रही है, हमारे वीडियोस देखना था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि हम भी देखते हैं यार, हमारा भी करके दिखाओ। वो हम चैलेंज आपको देने वाले हैं कि आपको मेरा करना है एंड फिर स्किल्स टेस्ट होंगे आपके मेकिंग में, इसीलिए फटाफट आके मैंने पहले अपना मेकअप किया है। आपकी प्रैक्टिस हो गया ना अब? हाँ। तो अभी आपको मेरे पे, और मुझे लग रहा है पहली बार मैंने इतनी जल्दी मेकअप किया है। क्या बात है, गुड जॉब शिशो। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं तो टेस्ट कर रहा हूं। मैं तो शिशो को तारीफ रिकॉर्ड कर रही हूं। आज होने वाला मेकअप चैलेंज, एंड मेकअप वो खुद पे तो करते हैं बट आज मेरे पे मेकअप ट्राई होने वाला है, वो भी एंड ऑल्सो मेकअप प्रोडक्ट्स। फिर आपको ऐसा बोलना, आप बोल सकते हो क्या कि बट मेकअप प्रोडक्ट्स, मैं मेकअप करूंगा, मेकअप मैं करूंगी लेकिन
चूज आप करेंगे वो आप खुश हो जाओगे, ओ वाह इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन लेकिन बिना देखे लेकिन आपकी आंखें बंद होंगी, नहीं आंखें बंद करी मैं बिना देखे, आंखें बंद कर दूंगा बिना देखे बोल देना, लेकिन लेकिन तभी आप अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लेना। चलो 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 लेट्स डू इट। चलो बीटीएस आपके हाथ में है, खाओ तब तक। आज की चैलेंज वीडियो है मनीषा के साथ, इतने ज्यादा कमेंट्स आए मनीषा के लिए मैं आपको बता नहीं सकता, एंड आई वाज इन दिल्ली तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, एंड मनीषा इज सुपर डुपर टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंट है इनमें, पर सबसे बड़ा बट एंड वन ऑफ द बट आज मेकअप होने वाला है मेरा, मेकअप मैं करने वाली हूँ लेकिन चूज करेंगे प्रोडक्ट्स मानव। लेकिन आप ऐसा बोलो यस क्योंकि आपको थोड़ी देर के लिए रखना है मेकअप, तो इसीलिए हम प्राइमर नहीं देते हैं। क्या बात, अच्छा ये अपने हाथ पर इधर, अच्छा ये करेंगे सही है, मैंने प्रसाद दिया क्योंकि लड़के यही करते हैं ऐसे। ओके तो मैं इधर आ सकती हूँ, ऊपर देखो लुक अप, ओह शिट ओके तो हम बहुत कम कम इसी को स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा खुश रहिए, स्माइल रखिए फेस पे, चिंता मत करिए, आपके लिए एक सरप्राइज एंड है। क्या बात है आपकी सरप्राइज, इस टेंशन के साथ मत रहिए, निशा आती सरप्राइज तो सरप्राइज दे रही है। यस वाओ कुछ नहीं हुआ ऊपर लड़कों का ना मेकअप ऐसे होता है सेटअप वाला ऊपर डांट पड़ रही है गाइस मेरे को, हम बहुत नेचुरल सा मेकअप रखेंगे हमें, आई लाइक इट, मानव को मान भी नहीं बनाना है मानव ही रखेंगे, थैंक यू। पता है ना जैसे कि हमारे पुराने जो पार्लर जिनको बोलते थे जो कि अभी भी है, क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस करी कि वो ना मेकअप के नाम पे मतलब वाइट करना, वो तो करता है यार, तो वो वाइट आई थिंक जो टोन होती है वो ही रहनी चाहिए, अब ये अच्छा ब्लेंड कर दिया गया हो गया है, तो अब इसका क्या करना है, हम लड़कियां होती तो हम यहाँ कर लेती, अभी आप कहाँ पे करोगे, मैं भी यहाँ कर लेता हूँ नहीं ये देखो सीधे लगा दो यहाँ पे गाड़ी के नीचे लगी दो, अभी मैं वो बोल देता हूँ, 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपको कम से कम मैं आपको 2017-18 से जानती हूँ, ओह एंड मैं भी निशा को जानता हूँ 4 साल हो जाएगी काफी है ओके अभी तो अभी मैं आपको दो ऑप्शन देने वाली हूँ नेक्स्ट लेवल, ओके ठीक है, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, ये बच रहे हो बहुत सेफ सेफ गेम खेल रहे हो, इतना अच्छा अपना मेकअप लुक क्रिएट करवाया है, लड़के वैसे बैठते नहीं है आपके लिए, ओह माय गॉड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था मनीषा सुपर टैलेंटेड है, वैसे टैलेंट है कि बहुत ही प्यारे प्यारे स्केच बनाती है मनीषा, बहुत पहले दिए भी है 4-5, मेरे को 4-5 से भी ज्यादा स्केचेस मनीषा ने दिए हैं जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं, आपकी बहुत सारी ऑडियंस जानती है, आप बहुत जानती है, तो आई थिंक स्केच ही है ना ये भी आपके सामने ही खुलता हूँ, ओह माय गॉड, ओह माय, ये आपने कब बनाया, ये कल रात को, ये आपने एक रात में बनाया, ओह माय गॉड, अनरियल टैलेंट, थैंक यू मनीषा, दिस इज द बेस्ट कोलैब, आई लव इट ब्रॉनी इतना खुश होने वाला ना ये देख के, ये मैंने बहुत टाइम से ये स्क्रीनशॉट लेके रखी थी फोटो, एंड यार अब काम आई है,
So pretty. इतना talent. Wow, यार, so cute. Love it. चलो गाइस, अभी आप लोग अपने भाई का, हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड का मेकअप करो ऐसे ही. आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय बाय. बहुत प्यारे है तो. ये बहुत इजी है, मुझे भी नहीं आता था पहले. मैं मेस्मराइज्ड हो गया उसको देख के. इतना रियल कोई कैसे बना सकता है पेंटिंग. ब्रोनी ऐसा लग रहा है अभी मेरे हाथों में ही बैठा है. सो रियल. थैंक यू मनीषा, आई लव इट. मनीषा एक्सट्रीमली स्वीट. दिल्ली वाले सारे स्वीट होते हैं. Thank you so much. बहुत प्यारा लग रहा है. तो हमने तो आपको कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया. हमारा नेक्स्ट टाइम पेंडिंग रहा. अभी इट्स ओके. बहुत अच्छा. इट्स ओके. दिखाओ. सो क्यूट. वाओ, लव इट. थैंक यू. नेक्स्ट टाइम आपको मिलना पड़ेगा. भी आज आपका गिफ्ट पेंडिंग है. यस. मैं देखती हूँ, मैं आती हूँ. यस. ये तो आपको ही आना पड़ेगा. डन. मैं तो कभी भी आ जाऊंगी. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय. आने के लिए, इतना ट्रैवल करने के लिए, एंड इतना क्रेजी कंटेंट बनाया गाइस. हमने आपको मेकअप मेरा दिख ही रहा होगा. वो तो आपको वीडियो तो आपने देखी ली होगी. तो ये है थोड़ा थोड़ा BTS. आप इधर आओ. तो आपने वीडियो देखी ली होगी. तो अभी आपको BTS देखने के लिए मिल रहा है. चलो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से. आपने बहुत मजे किए. सब्सक्राइब करो फटाफट. क्या कर रहे हो यार, इतना टैलेंट. मेरे पास 1% टैलेंट भी नहीं है जो मनीषा के पास. नहीं, टैलेंट है तभी तो मेरे साथ खड़े हैं. चलो फिर गाइस, मैं जा रही हूँ घर. अब मुझे लेट हो रहा है, शादी में जाना है. ठीक है, चलो बाय बाय. शादी का खाना खाओ. इतने दिन से शादी का खाना खा रहे, बोर हो गई. जबरदस्ती लेके जा रहे मेरे घर वाले शादी में. मुझे जाना है. गाइज, बहुत मजे आए हमने शूटिंग की और बहुत ही मन वीडियो है. और वीडियो तो आपने देखी ली होगी, लेकिन जो उसका BTS है ना, वो मजेदार है. सो गाइज, आज का दिन खत्म और मैं जा रही हूँ अपने घर. लेट हो गया वैसे भी. यहाँ से जाके मुझे पार्टी में जाना है. अभी जा रही हूँ मैं लाल स्कूल. कहाँ गए? लाल स्कूल जाएंगे. ठीक है. अरे रोको तो सही. चॉकलेट 500. चॉकलेट फोन पे कर दे. पहले फिल्टर लगा. चॉकलेट 500 रुपया लेगी. मेरे प्यार ने मेरे को चॉकलेट भी ले. चॉकलेट ले. उन्नति का यूज करो रहे हो. ओके. कितना कमीन है ये. एक्चुअली उनका सूट चल रहा था किटकैट का, तो मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने दे दिया 500 रुपये. दे दे, शर्म कर ले. अरे सोई दे दे. सोई दे दे अपने दुकान में. कि मैं खवा दियो. के खवाओगा ना बता. के तुम्हारे हमारी दुकान. हमारी कौन सी तुम्हारी दुकान है? वो अपना कल कटन हो जाता है तो इनकी दुकान से सामान. हाँ. अरे थोड़ी सी शर्म कर ले. 2-0 लगा दे. 5 वाले किटकैट मेरी तरफ से. मैं तेरे किटकैट ही दे रही हूँ.
तो डेयरी मिल्क ले लिया और क्या होगा, और चटपटी कुछ चीज ले लूंगा। चल ठीक है, मोटे वाले में कौन सी मोटी कौन सी के ला 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 ला। चलो भाई ये हु वो ब्लॉग तो वैसे ही देख के।